यूनिवर्सी एड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्प्रिंटर, समर ओलंपिक गेम्स में विमेन 100 मीटर्स इवेंट पे क्वालिफाई होने वाली तीसरी भारतीय महिला। हम बात कर रहे हैं दुती चंद की, जो भारत की प्रोफेशनल स्प्रिंटर है। 3 फरवरी 1996 को उड़ीसा के जजपुर शहर में जन्मी दुती एक बीपीएल बुनकर परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता का नाम चक्रधार चंद है और माँ का नाम अखूजी चंद है। उनका एक भाई है जिनका नाम रविंद्र चंद्र है। बड़ी बहनें हैं सरस्वती चंद और संजुलता चंद नाम से, और छोटी बहनें हैं जिनका नाम है अंजना चंद, प्रतिमा चंद और अलीवा चंद। उनकी बड़ी बहन सरस्वती उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जिन्होंने स्टेट लेवल रनिंग कंपटीशन में भाग लिया था। यहाँ तक कि उनके ट्रेनिंग की फीस देने के लिए उन्होंने पुलिस में नौकरी भी की। उनका पालन पोषण उड़ीसा के चक्का गोलपुर गाँव में हुआ था। वहीं के एक स्थानीय स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली। स्कूली दिनों में वो गांव में बहुत दौड़ती थी और उन्हें देख के गाँव वाले बोलते थे कि वो पागल हो गई हैं। वर्ष 2006 में उन्हें और उनकी बहन सरस्वती को उनके पिता ने गवर्नमेंट स्पोर्ट्स हॉस्टल में डाल दिया था, क्योंकि वो 7 बच्चे थे और उनके पालन पोषण के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने भुवनेश्वर में स्थित KIIT यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ लॉ किया। उनके कॉलेज के दिनों में उनके टीम कोचेस ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें कॉलेज के इवेंट्स के लिए ट्रेन किया। उन्होंने कॉलेज में रहते हुए स्टेट और नेशनल लेवल इवेंट्स में भाग लिया। कॉलेज पूरा करने के बाद उन्हें पटियाला जाना पड़ा एडवांस ट्रेनिंग के लिए। फिर वह हैदराबाद गए, जहां उन्होंने पुलेला गोपीचंद अकादमी से आगे की ट्रेनिंग ली। उन्होंने वहां कोच एन रमेश के अंदर ट्रेनिंग ली थी। 2012 में अंडर 18 श्रेणी के 100 मीटर इवेंट में नेशनल चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर उन्होंने पुणे में होने वाले 2013 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप्स में कांस्य पदक जीता। 2013 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुँच के वो 100 मीटर फाइनल्स के ग्लोबल एथलेटिक्स में पहुँचने वाली पहली भारतीय बनी। जून 2014 में उन्होंने एशियन जूनियर्स एथलेटिक चैंपियनशिप्स में 4x400 मीटर्स रिलेस में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसी साल जब वो कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लेने जा रही थी, तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये दावा किया कि उन्हें हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, यानी उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा निर्धारित मात्रा से ज्यादा है, जिसके चलते वो फीमेल एथलीट के तौर पर भाग नहीं ले सकती हैं, और उन्हें खेलने पर रोक लगा दी गई थी। फिर उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS पे अपनी याचिका दायर की और उनके ऊपर रोक हटा दी गई, ये बताकर कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। 2016 में एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप्स में 7 मीटर के इवेंट में भाग लेकर उन्होंने 7.28 सेकंड का क्वालिफायर इंडियन नेशनल रिकॉर्ड बनाया और कांस्य पदक जीता। 23 मई 2016 को उन्हें ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त किया गया था। ये नौकरी उन्हें उनके खेलों में योगदान के लिए ओडिशा सरकार द्वारा मिली थी। 25 जून 2016 को अल्माती कजाकिस्तान में इंटरनेशनल मीटिंग में उन्होंने 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया 11.24 सेकंड के समय में। उसी साल रियो ओलंपिक्स में वो 100 मीटर विमेन्स स्प्रिंट के भाग लेने वाली भारत की तीसरी महिला बनी। उन्हें जुलाई 2016 में रियो ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट भी मिली थी। 2018 के एशियाई खेलों में विमेन्स 100 मीटर फाइनल्स में रजत पदक जीता। ये दुती का पहला एशियाई गेम्स का मेडल था और भारत का 32 वर्षों के बाद पहला पदक PT उषा के बाद। उन्होंने एशियाई खेलों में अपना दूसरा रजत पदक जीता विमेन्स के 200 मीटर फाइनल्स में। इटली में होने वाले 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स वर्ल्ड यूनिवर्सियाड में 100 मीटर इवेंट में 11.32 सेकंड का रिकॉर्ड बना के वो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रही। 31 मार्च 2019 में उन्हें उनके खेलों में योगदान और परफॉर्मेंस के लिए ओलंपियंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिला। ये तो बातें रही उनकी करियर की, अब उनकी निजी जिंदगी पे हम आते हैं। मई 2019 में उन्होंने ये बताया कि वो अपने गांव में एक 19 साल की लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिसके चलते वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिन्होंने अपने LGBTQ+ कम्युनिटी में होने के बारे में बताया। इस बात पर उन्हें बहुत से लोगों का समर्थन मिला, पर उनके परिवार वाले इस चीज से खुश नहीं थे।
उनकी बहन सरस्वती के मुताबिक जिस लड़की के साथ दुती है वो सिर्फ उनकी दौलत और जायदाद के पीछे है। उनकी माँ ने कहा कि वो लड़की दुती की भांजी है तो वो उनकी साथी नहीं बन सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको कोई जानकारी अच्छी नहीं लगी या आपके पास इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी है तो प्लीज हमें जरूर शेयर करिएगा। जाते जाते आपको बता दें कि 1 नवम्बर 2019 को वो KBC के सीजन स्पेशल में नजर आई थी एथलीट हिमा दास के साथ। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ हमारा भी, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।